विजय राम जी, गांधीनगर दिल्ली से आए हम। मोची का काम करते हैं शांति मोहल्ले गांधीनगर में। जो 200-250 रुपये है ना कमाते हैं कि पूरे दिन में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ड्यूटी देते हैं। और इसमें है कि 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी दोनों हम विकलांग हैं। इसी में है ना 200-300 में ये है ना अपना गुजारा करते हैं कि जहाँ तक होते हैं वहीं तक हम इसमें ये जी। अब हम तो यही कहेंगे हमारे श्याम सुंदर बागाल जी लेकर आए हैं कि कभी ऐसा सपना में देखे नहीं थे जो प्लेन के है सफ़र करेंगे। इतना तो देखे जो उड़ते हुए देखे लेकिन बैठे नहीं, लेकिन आज के डेट में है हमारा सपना है ना अग्रवाल जी हमारे पूरा कर दिए। और नरेंद्र मोदी जी के हम यही कहेंगे धन्यवाद देंगे उनके जन्मदिन पर आए हैं कि। मेरा नाम है मोहन राम, मैं मोची के काम करता हूँ। कहाँ पे आप मोची का काम करते थे? गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ और वहीं पे काम करता हूँ हल्लन चौक पे। कभी भी सपना में सोचे थे कि हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, मगर आज इस बार जो चढ़ के आए हम लोग हवाई जहाज पे, बहुत खुशी है, बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। लगभग आप लोग कितने लोग आए? 40 आदमी हैं हम लोग, 2 दिन की यात्रा में हम लोग हैं। रास्ते में कैसी आपकी यात्रा थी? रास्ते बहुत बढ़िया, सुमंगल हुआ, बहुत बढ़िया यात्रा हुआ जहाज में। इस वक्त हमको बहुत खुशी हुआ मन में सर। हाँ, श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने हमको बताया ऐसे उसको करता हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य। मोदी जी को मैं सबसे पहले तो बाबा के चरणों में अरदास करूँगा कि बाबा हमारे नरेंद्र मोदी जी को लंबा जीवन, स्वस्थ आयु दे, और जैसे उन्होंने विकास किया देश का विकास हो, और आने वाले समय में हमारा देश विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने। काशी की जनता प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र काशी की जनता आज बहुत उत्साहित है, किस प्रकार से लोग सर? काशी की नहीं पूरे देश की जनता उत्साहित है, दिल्ली में 10 गुना उत्साह है। दिल्ली से हम लोग काशी में इसलिए आए हैं कि हम ताकि काशी में आके दर्शन कर सकें और बाबा से हम कह सकें ये बाबा मोदी जी को हमारा जीवन ले ले, लेकिन मोदी जी को लंबा जीवन। आज आप किनके साथ आए और किस प्रकार से वहाँ से आप चले? ये हमारे साथ दिल्ली के अंदर सड़कों पे बैठ के लोगों के जूते चप्पल ठीक करने वाले, उनके जूतों को चमकाने वाले, जूतों को चमका के उनके व्यक्तित्व को चमकाने वाले, लेकिन आज तक का व्यक्तित्व नहीं चमका। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ उनका व्यक्तित्व चमके, वो आने वाले समय में इनके पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति मोची ना बने, बहुत पीड़ादायक है। आप इनकी कहानी यहाँ पे हमारे एक मोची आए हैं जगबाल, जो एमए पास है, उनकी जॉब चलने लगी, लेकिन मोची काम करते हैं, धूम में बैठते हैं, 250-250 कमाते, कैसे गुजारा करते होंगे सोचने वाली बात।